तो भाई वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर ब्लॉग एंड अनदर कार। आज हम देख रहे हैं वो कार है जिसकी गाड़ी की एसयूवी में जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ। इट्स नॉट अ कार, इट्स अ एसयूवी। और ये वो एसयूवी है जो हर यंगस्टर की पसंद है। ये इस गाड़ी में ना इतना बदलाव कर दिया, इतना चेंज कर दिया, बट इस गाड़ी की सेल पे कोई फर्क नहीं आया। अब इतनी ज्यादा बुकिंग चल रही है, 8-8, 9-9 महीने की लोग बुकिंग के बाद ये गाड़ी लेते हैं। और ये गाड़ी लेते हैं लोग ब्लैक कलर में, और मैं जिसके अंदर बैठा हूँ ये बेस वेरियंट है। अब ब्लैक कलर से आप समझोगे, आप जैसा आप गाड़ी का पीछे तक इसका सीट्स वगैरह देख रहे हो, 7 सीटर, पता चल गया होगा आपको कौन सी गाड़ी है। मोस्ट डिमांडिंग, मोस्ट अट्रैक्टिव और मोस्ट पावरफुल गाड़ी है भाई ये। तो भाई गाड़ी आप साइड से देख सकते हैं, स्कॉर्पियो एस। पहले इसमें हमें काफी वेरियंट मिल जाते थे, आपका S3 से स्टार्ट हो जाता था, बेस वेरियंट से S3 मिल जाता था, S3 प्लस मिल जाता था, S5 मिल जाता था, S5 प्लस मिल जाता था, और S11 तक करके काफी वेरिएंट आते थे। बट जब इन्होंने ये बेस वेरिएंट निकाला स्कॉर्पियो क्लासिक एस, इसमें से सारी चीजें उतार दी गई। जैसे सिर्फ 2 वेरिएंट मिलते हैं इसमें हमें, स्कॉर्पियो एस जो मैंने पहले इससे बताऊं पहले बेस वेरिएंट आता था, और इसमें अब हमें सिर्फ 2 वेरिएंट मिलते हैं, स्कॉर्पियो क्लासिक एस और स्कॉर्पियो क्लासिक S11। कंपनी इसमें ऑफर क्या कर रही है, बाकी काफी चीजें घटा दी गई। जैसे पहले ब्लैक स्टील रिम मिल जाते थे, अब तो इसमें सिंपल स्टील रिम कर दिए सिल्वर कलर के। और ब्लैक कलर तो आप जानते हैं स्कॉर्पियो लोग लेते थे ज्यादा, ब्लैक कलर सबसे ज्यादा सेल होता है, सबसे ज्यादा डिमांड में है, बुकिंग बहुत ज्यादा है इस गाड़ी की, और वेटिंग पीरियड भी सबसे लंबा है भाई इस गाड़ी पे महिंद्रा में। 8-9 महीने में जाके आपको कहीं ये गाड़ी देखने के लिए मिलेगी, और आते ही साथ करना सेल हो जाती है, शोरूम्स पे रुकती नहीं है गाड़ी। और इसमें बाकी अब जैसे ब्लैक कलर है, लोग क्या करते हैं पहले अपडेशन कराते थे, अब इसमें आपको अपडेट कराने के लिए कंपनी ने गाड़ी इस तरह से दे दी कि आप इसमें अपडेशन करा सकते हो। जैसे कि इसमें हमें स्टील रिम्स मिल जाते हैं। टायर साइज की बात करूं तो टायर साइज हमें मिलता है 235/65/17। फ्रंट और रियर दोनों डिस्क नहीं रहते इसमें, फ्रंट डिस्क रिंग है और रियर ड्रम्स रहते हैं, ठीक है। और लोग अपने अकॉर्डिंग इसके टायर साइज अल्टरनेट टायर डलवाते हैं, अलॉय व्हील्स डलवाते हैं, तो अब आप इसमें डलवा सकते हो, क्योंकि उसी प्राइस में आपको कार मिल रही है कि आप अपने टॉप वेरिएंट के अकॉर्डिंग उसे मॉडिफाई कर सकते हो। स्टील रिम्स मिल जाते हैं इसमें, आप अलॉय व्हील डलवा सकते हो। इंडिकेटर आपको यहाँ पे प्लेसमेंट कर दी गई है, फेंडर पे इंडिकेटर देखने मिलेगा, थोड़ा और लगता है देखने में, बट भाई कहीं ना कहीं ठीक है जहाँ चेंजेस हुए, बट ये सेल पे इसके पे अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ा पार्ट आपको यहाँ ब्लैक भी देखने के लिए मिल जाएगा ट्रीटमेंट। ORB पूरे मैनुअल कर दी गई, नॉन फंक्शनल है, मैनुअली आपको एडजस्ट करने होंगे। स्टिक मिलेगी मैनुअली एडजस्ट करने के लिए, और फोल्ड अनफोल्ड भी आपको मैनुअली करने होंगे। जो डोर हैंडल्स है सेम बॉडी कलर मिल जाएंगे ब्लैक में। ये आपका DEF के लिए है, जो इस साइड आप फ्यूल कैप देख रहे हैं यहाँ पे आपका DEF डलता है, डीजल एग्जॉस्ट फ्यूल। काफी बड़ा क्वार्टर पैनल ग्लास मिल जाता है थर्ड रो के लिए, ये भी 7 सीटर सेगमेंट की गाड़ी है। रूफ रेल्स हमें इसमें देखने के लिए नहीं मिलते, ना ही फुटरेस्ट मिलते हैं। बाकी ये पार्ट ना कुछ गेट पे आपको ग्लोसी में देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे स्कॉर्पियो लिखा हुआ है, और थोड़ा पार्ट और ग्लोसी में देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी पूरा ही क्लैडिंग वाला पार्ट है, बम्पर भी इसका मेन जो पहले आते थे ना जिस तरह के बम्पर, वो बम्पर मिलेगा ब्लैक में। या आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कराना चाहे तो इसे पेंट करा सकते हैं, सेम बॉडी कलर में नहीं मिलता। बाकी आप इसे ग्लोसी कराना चाहे तो करा सकते हैं, बट इसका भी एक प्लस पॉइंट रहता है कि आप इसके स्क्रैचेस वगैरह इस पे ज्यादा नहीं दिखेंगे। कुछ पार्ट इसमें ग्लोसी दिख जाएगा आपको, जैसे फॉग लैंप की जगह ये लोअर मैट ग्लेस, जो लोअर ग्रिल है वो भी मैट ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलेगी। ऊपर रेडिएटर ग्रिल आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिश का ट्रीटमेंट मिलेगा इंसर्ट, और अंदर की साइड आपको मैट ब्लैक फिनिश, न्यू स्कॉर्पियो का लोगो महिंद्रा का, यहाँ पे भी एक ग्लोसी ट्रीटमेंट देखने के लिए मिला। गाड़ी गंदी है, थोड़ा इग्नोर करना है इस चीज को। कुछ इस तरह से हाइलोजन बेस, डुअल प्रोजेक्टर नहीं मिलते हमें, मैनुअल हेडलैम्प्स मिलेंगे हाइलोजन बेस, इसमें प्रोजेक्टर नहीं मिलेगा बिल्कुल भी आपको। और यहाँ पे आपका पार्किंग लाइट, और भाई कॉर्निंग लाइट भी इसमें से हटा दी गई है, कॉर्निंग लाइट नहीं है बेस वेरियंट के अंदर। अंदर गार्निश का ट्रीटमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पे इंटरकूलर का भी डमी रह गया, पहले इंटरकूलर मिल जाता था यहाँ में। सिंगल वॉशर मिलेगा, 2 वाइपर्स मिल जाएंगे, कुछ इस तरह से रूफ देखने के लिए मिल जाएगा। वही बात करें गाड़ी के रियर लुक की, तो रियर लुक कुछ इस तरह का देखने मिलेगा आपको, जो पुराने टेल लैंप्स आते थे वही मिलेंगे, बस एक ये पार्ट बढ़ा दिया जाता है इसमें जो क्लासिक वेरिएंट इन्होंने निकाला था। यहाँ पे स्कॉर्पियो क्लासिक एस की ब्रांडिंग मिल जाएगी आपको देखने के लिए, टेल लैंप में भी स्कॉर्पियो देखने के लिए मिलेगा, इंडिकेटर यहाँ पे आपका, रिवर्स लाइट, माइक्रो हाइब्रिड की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी, मार्किंग की हुई है यहाँ पे, महिंद्रा का लोगो, डमी मतलब कैमरे की जगह दी हुई है, डमी नहीं दी, वो करने जगह दी हुई है। डोर हैंडल सेम यही मैट में रहने वाले हैं, प्लेन विंडशील्ड मिलेगी, हाई माउंट स्टॉप लैंप, स्पॉइलर वगैरह हमें इसमें नहीं मिलता देखने के लिए। फुटरेस्ट मिल जाएगा, 2 पार्किंग सेंसर पॉइंट के हुए हैं, स्पेयर व्हील यहाँ देखने के लिए मिलेगा आपको, रिफ्लेक्टर दिए हुए हैं दोनों, ये टोइंग के लिए हुक दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका फुटरेस्ट तो मैं आपको दिखा, ड्राइवर साइड जो को ड्राइवर साइड है यहाँ पर आपका
डीजल कैप मिल जाता है, डीजल लेड मिल जाता है, यहाँ पे डीजल डला सकते हैं। इस साइड में आपको DEF मिलता है जो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, यहाँ पे DEF डालना होगा जो ब्लू ऑयल बोलते हैं जिसे, और कुछ इस तरह से साइड जो को ड्राइवर साइड प्रोफाइल है वो भी चेकआउट कर सकते हैं किस तरह से देखने को मिलती है। मैं स्कॉर्पियो में तो कुछ चेंजेस है ही नहीं, बट यहाँ पे ना आपको सिर्फ MHawk लिखेगा मिलेगा जो पहले 150 मिल जाता था, यहाँ पे सिर्फ MHawk मिलेगा क्योंकि इसकी पावर कम कर दी गई है। इंडिकेटर ये पार्ट भी आपको ब्लैक में देखने के लिए मिलेगा और MHawk की ब्रांडिंग। बाकी स्कॉर्पियो दोनों डोर्स पे आपको लिखा मिल जाएगा। अब चलते हैं इंटीरियर में। की मिल जाएगी, फ्लिप की है, महिंद्रा का लोगो मिलेगा ऊपर की साइड, सेंटर लॉकिंग नहीं मिलती, फ्लिप की मिलती है। ड्राइवर डोर ओपन करेंगे तो यहाँ आपका पूरा ही बेज कलर में आपको ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलेगा। ड्राइवर डोर पैनल बिल्कुल प्लेन है, कुछ भी नहीं मिलता, डोर एक्सेस हैंडल है, ग्रैब हैंडल, ये डोर ओपनर, ये आपका ORBM कंट्रोल, यहाँ से आप अपना ORBM एडजस्ट कर सकते हैं। और जो सीट्स हैं वो भी बेज कलर में देखने के लिए मिलेगी आपको, ये सेमी फैब्रिक सीट्स है, पूरी लेदर नहीं, सेमी फैब्रिक सीट्स देखने के लिए मिलेगी आपको जिसे आप स्लाइड कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे आपका हेडलाइट हाइट कंट्रोल, ये फ्यूल कैप खोलने के लिए, आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन, AC वेंट, यहाँ पे चाबी की जगह मिल जाएगी जहाँ पे आप लाइट भी लगी हुई है, जहाँ पे रात में आपको किसी भी तरह से चाबी लगाने में भी दिक्कत अंधेरे में नहीं होगी। आप चलते हैं अंदर। नीचे टोटल 3 पैंडल्स मिल जाएंगे, क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर, एक डेड पैंडल मिल जाएगा। कुछ इस तरह का स्टीयरिंग मिलेगा हमें विदाउट एनी रैप, 2 एयरबैग्स मिलेंगे ड्राइवर और को ड्राइवर, महिंद्रा का न्यू लोगो, स्टीयरिंग एडजस्ट मिल जाएगी, टिल्ट मिलेगी बेस वेरिएंट से। यहाँ पे आपका हेडलाइट कंट्रोल यूनिट, यहाँ पे वाइपर कंट्रोल यूनिट, कुछ इस तरह का मीटर देखने के लिए मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक बार ऑन कर देता हूँ, जैसे इसे ऑन करते हैं, स्पीड मीटर एनालॉग, ये ब्लू ऑयल के लिए नोटिफिकेशन, या RPM एनालॉग, फ्यूल गेज, इंजन टेम्परेचर गेज, MID ग्रीन कलर की लाइट के अंदर आप देख रहे हो MID देखने के लिए मिलेगी। बोनट भी आप स्कॉर्पियो को जानते ही हैं, डैशबोर्ड भी चेकआउट कर सकते हैं। SRS एयरबैग, यहाँ पे स्कॉर्पियो की मार्किंग की हुई है। क्लाइमेट कंट्रोल मैनुअल मिलेंगे, मैनुअल AC मिलेगा, इन्फोटेन सिस्टम नहीं मिलता हमें बेस वेरियंट में, 2 AC वेंट, ये भी पूरा बैच का मैं देखने मिलेगा। यहाँ पे स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग, SRS एयरबैग की ब्रांडिंग, इन्फोटेन सिस्टम आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, ये भी मॉडिफिकेशन का पार्ट है। अगर आप लगवाना चाहें जिस तरह का भी टच सिस्टम लगवाना चाहते हैं, 2D लगवाना चाहते हैं, 2D की जगह दी है, अपने अकॉर्डिंग आप लगवा सकते हैं। यहाँ पे आपका AC हाई और AC लो के बटन, ये हजार लाइट का बटन, 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाएगा आपको। यहाँ पे कुछ इस तरह का 6 गियर के साथ ग्रांड गियर ट्रांसमिशन देखने आपको के लिए मिलेगा, गियर लीवर है जो 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ, यहाँ भी आपको सेमी फैब्रिक मिल जाएगा। गियर कंसोल में बेज कलर और ब्लैक का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलेगा, यहाँ थोड़ा रफ टच मिल जाएगा। ग्लास कंट्रोल्स यहाँ मिलेंगे, चारों पावर विंडो मिल जाएंगे, विंडो लॉक अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका मैनुअल हैंड ब्रेक्स, कुछ इस तरह का ग्लोव बॉक्स मिलेगा छोटा सा, मैनुअल डिमिंग, IRBMs मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको वेंटी मिरर मिल जाएगा, लाइट नहीं है, इस साइड खाली टिकट होल्डर मिलेगा, एक रीडिंग लाइट आपको बीच में मिल जाएगी, ग्रैब हैंडल्स को ड्राइवर साइड है। चलते हैं पैसेंजर, जैसे ही हम ड्राइवर पैसेंजर डोर ओपन करेंगे सेम वही बिल्कुल प्लेन डोर पैनल मिलेगा, ग्रैब हैंडल, ये डोर ओपनर, वही सेमी फैब्रिक सीट्स, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छी है, बेंच सीट मिलेगी, एक रीडिंग लाइट आपको पीछे देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ आपको AC वेंट मिल जाएंगे, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा मोबाइल वगैरह कैरी करने के लिए, 2 कप होल्डर्स टाइप लगाए हुए हैं इन्होंने। अब चलते हैं थर्ड रो में, तो यहाँ भाई जैसे ही बूट गेट ओपन करेंगे तो यहाँ बेज कलर का ट्रीटमेंट देखने मिलेगा, डोर ओपनर आपका, ये ग्रैब हैंडल पूरा ही, ये भी बेज कलर में इन्होंने जो पैनल है दिया हुआ है। अगर आप इसकी सीट्स फोल्ड कर लेते हैं, 7 सीटर्स में आती है ये, अगर इस तरह से फोल्ड कर लें तो काफ़ी बड़ा आपको बूट स्पेस मिल जाता है स्कॉर्पियो क्लासिक S के अंदर देखने के लिए, S11 के अंदर भी। और अगर आप ये सीट खोल लेते हैं तो थोड़ा बहुत बूट स्पेस आपको मिल जाएगा। ये आप जो मिरर्स है, क्वार्टर पैनल ग्लास है, ये आप अपना वेंटिलेशन के अकॉर्डिंग अगर खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। ये था महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक S का फुल वॉक अराउंड इंटीरियर एक्सटीरियर। अब चीज़ मेन चीज़ तो वही, अगर आप इसे मॉडिफाई कराना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करा सकते हैं। कंपनी ने आपको काफ़ी प्लस पॉइंट दे दिया कि लोग पहले मॉडिफाई करा नहीं पाते थे, बट अब इसमें आप अलॉय वगैरह जो भी चाहें अपने अकॉर्डिंग डला सकते हैं, म्यूजिक सिस्टम वगैरह भी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो कैसे लगी कमेंट बताना, गाड़ी कैसे लगी कमेंट बताना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक टाटा बाय बाय।